मई का महीना शुरू हो चुका है और जैसे कि कयास लग रहे थे, गर्मी ने अपने तेवर भी दिखाने शुरू कर दिए हैं। आसमान से आग बरस रही है, गर्म हवाओं के थपेड़े शरीर को झुलसा रहे हैं। 123 साल में सबसे गर्म रहा अप्रैल। अप्रैल में ही गर्मी ने अपने तेवर दिखा दिए थे। 1901 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ कि देश के अधिकतर भागों में अप्रैल में सबसे ज्यादा दिनों तक लू देखने को मिली। अप्रैल में हीट वेव के तीन तीन दिन के दो दो दौर आए। अप्रैल ने झुलसाया, मई भी जलाएगी। मई में भी प्रचंड गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग की माने तो देश के कुछ इलाकों को छोड़कर बाकी हिस्सों में जला देने वाली गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक मई के महीने में पश्चिमी भारत में लू की स्थिति 5 से 8 दिन रहेगी, जबकि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में सामान्य से 2 से 4 दिन अधिक लू चल सकती है। इस महीने देश के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों में इस बार दोगुनी लू चलने की आशंका है। मई के महीने में अभी 3 दिन ही बीते हैं और कई राज्यों में पारा 40 डिग्री के पार जा पहुंचा है। दक्षिण की बात करें तो तेलंगाना में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। तेलंगाना के 20 जिलों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। तेलंगाना के 18 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बढ़ते तापमान के साथ लोगों को हीट वेव से भी जूझना पड़ रहा है। यही वजह है कि तेलंगाना सरकार ने अब हीट वेव को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। जिन 18 जिलों में अलर्ट जारी हुआ है वहां पारा 45 डिग्री पहुंचने की आशंका है। तेलंगाना में के मौसम में अभी शुष्क मौसम भी चल रही है, इसके साथ भी ये गर्मी लहर भी है। ये गर्मी लहर के तापमान भी 42 और 43 के साथ में ज़्यादा ही है। बाहर जाने वालों को लोग को एक ज़्यादा प्रिकॉशंस ले, तो इसलिए वो डिहाइड्रेशन ना चाहिए। तो हाइड्रेशन के लिए तो पानी लाओ, और गर्मी तो पानी तो नहीं है तो वो कोकोनट वाटर, घर में ORS चाहिए, वो सभी भी ये सब भी लेने चाहिए। मरुधरा राजस्थान की बात करें तो इस सूबे में अप्रैल थोड़ा कूल रहा, लेकिन मौसम विभाग की माने तो मई में यहाँ गर्मी कहर बरपाने वाली है। राजस्थान में 45 डिग्री का टॉर्चर देखने को मिल सकता है। राजस्थान में मई के महीने में 15 दिन लू चल सकती है और पारा 45 डिग्री के पार जा सकता है। अगले 72 घंटों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में ही 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। यानी यदि देखें तो 6-7 मई के आसपास जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग के कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर अधिकतम तापमान 42 डिग्री से लेकर 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होंगे, यानी सामान्य के करीब होंगे और कहीं कहीं सामान्य से 1-2 डिग्री ऊपर भी होंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी भीषण गर्मी कहर बरपा रही है। बिहार में हालात कुछ ज्यादा ही खराब हैं। सूबे में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। यहां पहली बार भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी हुआ है। बिहार के कई जिलों में गर्मी का आलम यह है कि दिन में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। नालंदा की ये तस्वीरें देख लीजिए। लू के थपेड़ों के चलते यहाँ बहुत जरूरी होने पर ही लोग घरों के बाहर निकल रहे हैं, लिहाजा दिन में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ कुछ दिन मौसम के बदले हुए तेवरों ने लोगों को गर्मी से राहत जरूर दी थी, लेकिन अब मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन फिर से लोगों को चिलचिलाती धूप, भीषण गर्मी और लू का सामना करना पड़ेगा। यूपी के 3 जिलों की तस्वीरें देखिए। फिरोजाबाद में पारा 42 डिग्री के पार जा पहुंचा है, तो वहीं ताज नगरी आगरा के लोग भी 43 डिग्री का टॉर्चर झेल रहे हैं। कानपुर में भी 40 डिग्री के बीच गर्म हवा के थपेड़े लोगों को झुलसा रहे हैं। मध्य प्रदेश में चलेगी 8 दिन हीट वेव। मध्य प्रदेश में भी चिलचिलाती गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। मौसम विभाग ने इस महीने में 5 से 8 दिन हीट वेव चलने की आशंका जताई है। तेज गर्मी का असर पूर्वी हिस्से के अलावा ग्वालियर, चंबल संभाग में ज्यादा दिखाई देगा। क्लाइमेट चेंज से बढ़ रहा गर्मी का कहर। विशेषज्ञों की माने तो देश में लगातार बढ़ती गर्मी की वजह क्लाइमेट चेंज है।
वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ने के कारण एक्सट्रीम वेदर की कंडीशन लगातार बन रही है। हर साल बढ़ती गर्मी वैसी ही परिस्थिति है। मई का महीना शुरू हो चुका है और जैसे कि कयास लग रहे थे, गर्मी ने अपने तेवर भी दिखाने शुरू कर दिए हैं। आसमान से आग बरस रही है, गर्म हवाओं के थपेड़े शरीर को झुलसा रहे हैं। 123 साल में सबसे गर्म रहा अप्रैल। अप्रैल में ही गर्मी ने अपने तेवर दिखा दिए थे। 1901 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ कि देश के अधिकतर भागों में अप्रैल में सबसे ज्यादा दिनों तक लू देखने को मिली। अप्रैल में हीट वेव के तीन तीन दिन के दो दो दौर आए। अप्रैल ने झुलसाया, मई भी जलाएगी। मई में भी प्रचंड गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग की माने तो देश के कुछ इलाकों को छोड़कर बाकी हिस्सों में जला देने वाली गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक मई के महीने में पश्चिमी भारत में लू की स्थिति 5 से 8 दिन रहेगी, जबकि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में सामान्य से 2 से 4 दिन अधिक लू चल सकती है। इस महीने देश के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों में इस बार दोगुनी लू चलने की आशंका है। मई के महीने में अभी 3 दिन ही बीते हैं और कई राज्यों में पारा 40 डिग्री के पार जा पहुंचा है। दक्षिण की बात करें तो तेलंगाना में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। तेलंगाना के 20 जिलों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। तेलंगाना के 18 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बढ़ते तापमान के साथ लोगों को हीट वेव से भी जूझना पड़ रहा है। यही वजह है कि तेलंगाना सरकार ने अब हीट वेव को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। जिन 18 जिलों में अलर्ट जारी हुआ है, वहां पारा 45 डिग्री पहुंचने की आशंका है। तेलंगाना में के मौसम में अभी शुष्क मौसम भी चल रही है, इसके साथ भी ये गर्मी लहर भी है। ये गर्मी लहर के तापमान भी 42 और 43 के साथ में ज़्यादा ही है। बाहर जाने वालों को लोग को एक ज़्यादा प्रिकॉशंस ले, तो इसलिए वो डिहाइड्रेशन ना चाहिए। तो हाइड्रेशन के लिए तो पानी लाओ, और गर्मी तो पानी तो नहीं है तो वो कोकोनट वाटर, घर में ORS चाहिए, वो सभी भी ये सब भी लेने चाहिए। मरुधरा राजस्थान की बात करें तो इस सूबे में अप्रैल थोड़ा कूल रहा, लेकिन मौसम विभाग की माने तो मई में यहां गर्मी कहर बरपाने वाली है। राजस्थान में 45 डिग्री का टॉर्चर देखने को मिल सकता है। राजस्थान में मई के महीने में 15 दिन लू चल सकती है और पारा 45 डिग्री के पार जा सकता है। अगले 72 घंटों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में ही 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। यानी यदि देखें तो 6-7 मई के आसपास जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग के कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर अधिकतम तापमान 42 डिग्री से लेकर 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होंगे, यानी सामान्य के करीब होंगे और कहीं कहीं सामान्य से 1-2 डिग्री ऊपर भी होंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी भीषण गर्मी कहर बरपा रही है। बिहार में हालात कुछ ज्यादा ही खराब हैं। सूबे में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। यहां पहली बार भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी हुआ है। बिहार के कई जिलों में गर्मी का आलम यह है कि दिन में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। नालंदा की ये तस्वीरें देख लीजिए। लू के थपेड़ों के चलते यहाँ बहुत जरूरी होने पर ही लोग घरों के बाहर निकल रहे हैं, लिहाजा दिन में कर्फ्यू जैसे हालात हैं।
बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ कुछ दिन मौसम के बदले हुए तेवरों ने लोगों को गर्मी से राहत जरूर दी थी, लेकिन अब मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन फिर से लोगों को चिलचिलाती धूप, भीषण गर्मी और लू का सामना करना पड़ेगा। यूपी के 3 जिलों की तस्वीरें देखिए। फिरोजाबाद में पारा 42 डिग्री के पार जा पहुंचा है, तो वहीं ताज नगरी आगरा के लोग भी 43 डिग्री का टॉर्चर झेल रहे हैं। कानपुर में भी 40 डिग्री के बीच गर्म हवा के थपेड़े लोगों को झुलसा रहे हैं। मध्य प्रदेश में चलेगी 8 दिन हीट वेव। मध्य प्रदेश में भी चिलचिलाती गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। मौसम विभाग ने इस महीने में 5 से 8 दिन हीट वेव चलने की आशंका जताई है। तेज गर्मी का असर पूर्वी हिस्से के अलावा ग्वालियर चंबल संभाग में ज्यादा दिखाई देगा। क्लाइमेट चेंज से बढ़ रहा गर्मी का कहर। विशेषज्ञों की माने तो देश में लगातार बढ़ती गर्मी की वजह क्लाइमेट चेंज है। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ने के कारण एक्सट्रीम वेदर की कंडीशन लगातार बन रही है। हर साल बढ़ती गर्मी वैसी ही परिस्थिति है।